आज क्या पढ़ेंगे अपने आप व्योमापी पढ़ेंगे। पहले बात सीधी सी है, जो अभी पिछले लेक्चर में मीटर सेतु हमने देखा, मीटर सेतु में एक ही तार थी और 100 सेंटीमीटर लंबी तार थी बस, ठीक है ना। इसमें भी एक ही तार होगी, पैमाना उतना ही होगा, एक मीटर या 100 सेंटीमीटर का एक ही तार होगी इसमें भी, लेकिन तार को बार बार लपेटे मार मार के ऐसे इस तरीके से राउंड कर करके 10 चक्कर बना देंगे उसके। एक बोर्ड लिया उसी तरह लकड़ी का, उसके ऊपर इस तरीके से 10 यहां पेच लगे होते, उसे कस देते मोड़ देते, फिर कस देते मोड़ देते, समझ गए। 10 बार मोड़ दी तो एक बार एक मीटर जा रही है लंबी, तो 10 बार 10 मीटर, 10 मीटर लंबी तार होती है इसमें, और लपेटे 10 मारे होते हैं एक एक मीटर के, पैमाना लगा होता है एक तरफ 100 सेंटीमीटर, दोनों तरफ भी लगे होते हैं पैमाने, बताइए। धातु की पत्ती भी लगी होती है, वही तांबे की पत्ती ये वाली, ये भी द्विसर्पी कुंजी के लिए होती है ये, वैसे जिससे वो लगी रहती है। अब थोड़ी सी बात और समझ लो, इस पत्ती के बिंदु पी के साथ गैल्वेनोमीटर जोड़ के यहां देखो, ये एक्स वाई प्लस माइनस लगा के मैंने शो किया ना, इसका मतलब है ये एक्स और वाई वो बिंदु हैं जिनके बीच में विभवांतर ज्ञात करना है। और आपको पता है विभवमापी का मतलब पता चला, विभवमापी जो विभव का मापन करती है, यानी कि एक्स और वाई बिंदुओं के बीच में विभवांतर कौन मापेगी, विभवमापी। किसकी सहायता से, मीटर, वही व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत के लिए काम करती है, ठीक है। एवक्षेप विधि सिद्धांत भी कहते हैं उसको, उसमें काम करती है। अब देखो किस तरीके से, अब ध्यान दो, उच्च विभव वाला बिंदु और इस सेल के प्लस वाला बिंदु एक में ही जुड़े होने चाहिए, और इसमें भी देखो प्लस उसी तरीके से ईपी लगाए, आरएच लगाए, के लगाए, कुंजी आरएच, धारा नियंत्रक लगाए। अब जो ईपी होता है ना, इसमें ईपी, ईपी को बोलते हैं ईपी संचायक सेल होता है, सीधा सेल, सीधा संचायक सेल जो है, उस तरीके कोई भी संचायक सेल कई होते हैं, संचायक सेल ही उपयोग में लेना है, वो दूसरे सेल नहीं लेना, संचायक सेल ही उपयोग में लेना। ये कुंजी है आपकी, कुंजी के लगी है, समझ आ गया। उसी तरीके से इसके ऊपर जोगी लेंगे, ऐसे 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 चलाते जाएंगे, जहां पर विक्षेप जीरो आ गया दूरी माप लेंगे उत्तर आ जाएगा, वही काम। ये जो परिपथ है ये होता है प्राथमिक परिपथ, ए से लेके बी तक जो जुड़ा है ना, और ये जो बीच में राउंड करता हूं मैं, इसका मतलब होता है कि इस तार का ए से लेके जो नीचे जा रही है, इस तार से कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। और ए से लेके बी तक का जो परिपथ है वो होता है प्राथमिक परिपथ, और ये जो नीचे वाला ये होता है द्वितीय परिपथ, यानी कि ये भी उसी तरीके से बढ़ जाता है। ये रहा पॉइंट ए, पॉइंट ए से जुड़िया है सेल का पॉजिटिव, देख सकते हो कुंजी जुड़ी, श्रेणी क्रम में है तो कैसे ही जोड़ सकते हो, कुंजी के जुड़ी है, धारा नियंत्रक आरएच जुड़ा है, आ जाएंगे नीचे ए से लेके बी तक, ये जो परिपथ ऊपर वाला है इसका नाम होता है प्राथमिक परिपथ, प्राइमरी सर्किट, प्राथमिक परिपथ। अब जो नीचे वाला सर्किट देख लेते हैं, नीचे क्या क्या जुड़ा है, अब देखिए नीचे एक्स वाई जुड़ा है, अब नीचे क्या जोड़ना है क्या नहीं जोड़ना, यहां पे एक्स वाई जुड़ा है तो हम यहां पे एक्स वाई ही बनाएंगे, एक्स प्लस ही जोड़ना है इधर इसके प्लस के साथ, ए के साथ दोनों प्लस जुड़ेंगे, इधर माइनस जुड़ा है वाई, या कुछ भी हो सकता है, सेल हो सकता है, हम लगाएंगे अभी देखना विभवमापी का मानकीकरण करेंगे हम, तो विभवमापी के मानकीकरण में और क्लियर हो जाएगा ये चीज क्या है। उसके बाद क्या जुड़ा है बेटा, गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर ये क्या है, अज्ञात विभवांतर, जिसका मान ज्ञात करना है ये वो है अज्ञात विभवांतर। ये लकड़ी का बोर्ड है जिसके ऊपर इसको रखा है, यहां से जो की लगी है इस तरीके से, जो कि जे जिस बिंदु पर मिल रही है वो क्या है, बिंदु पी, क्या है बिंदु P,
और यह स्थिति प्राप्त कर लेंगे हम, ठीक है। कितनी दूर आएगा, एल दूर आएगा, सिद्धांत इसका भी उसी तरीके से रहेगा जिस तरीके से मीटर से होता सिद्धांत था। तार इसमें भी जो लगा है मीटर से तो में जो तार लगा था वो भी कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन का बना था। किसका बना था, जो तार है उसको इंगित करके ऐसे लिख देना मैग्नीन। ये क्या होती है, मिश्र धातुएं। मैग्नीन उसको ऐसे करके लिख देना मैग्नीन तथा कॉन्स्टेंटन का तार, ठीक है।